कहा चलो ये देखो लाइट ऑन करने की बजाय मैंने ऑफ कर दी। मैंने कहा बच्चों को भी उठा लूँ, ठंड में तो एक तो सब देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। चलो उठो भाई, अलीना उठो, हमदान, सुभान उठो बेटा उठो, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो चलो उठो, फ्रेश हो जाओ जब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। शाबाश, हाँ ठीक है चलो उठो। आवाज आ रही है बस इतनी सी है कि बस इतना कि मैंने कहा चलो एक कप एक दो कप चाय बना दूं, साथ में बच्चों को बिस्किट्स दे दूं। आगे पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, इतनी फ्रीजिंग पॉइंट पे ठंड है और गैस है ही नहीं। और आप लोगों को बताइए गैस ना हो तो और कोई जरिया नहीं है, बस इसी तरह की ख्वारी चल रही है हमारी। बच्चे को भी मैंने उठाया है तो वो बता रही थी ऐसे लटक पटक रहे। बार मैंने आपको बोला था कंबल में रहो, हाँ कंबल में रहना है ना, बस फिर यही है। और आप लोग देखिए जरा क्या करें, इधर रमजान होगा सुचारे को भी बोला है कि भाई आओ करके अपना बैठो जब तक चाय शाय बना दूं। ये टीचर में आज कोई दम नहीं है, बुझा हुआ है। ओके थोड़ी सी तो लीना भाई, और तो कुछ भी नहीं था, सुबह बैठा हुआ है ठंड है, गैस वैस नहीं है। सॉक्स नहीं पहने मम्मा? हाँ ठीक है, सॉक्स नहीं पहने। और तुमने क्यों, मैंने बोला था ना ठंड है पहनो। ये देखे और तो कुछ भी नहीं बना सके, बस इतना किया थोड़ी सी चाय बनाई और साथ में मैंने कहा इनको कुछ बिस्किट दे दो नाश्ते में। और क्या करें, तो शेक मतलब पूरा आता जॉइंट शेक में। आप लोग बताएं आप लोगों की तरफ क्या ठंड का हाल हाल है? ठंड में तो वाकई में जिंदगी बिल्कुल मुश्किल सी हो जाती है और बिल्कुल इंसान की जान एक जगह पे समझो रुक जाती है। मैंने इतना बड़ा शॉल पहना हुआ है, मैंने कहा थोड़ा बच जाऊं, इनको मैंने जल्दी जल्दी जैकेट पहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, शुक्र अल्लाह का हम भी ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत ठंड हो गई है, अभी हम शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं तो हम यहाँ से निकले हैं गाँव की तरफ। हमने कहा कि गाँव में वहाँ पे हमने की थी लांदी, जैसे बलोच लोग करते हैं ना, तो हमने लांदी की थी। अब अभी हम लोगों ने उसकी कटाई के लिए जब सूख गई है तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी उसकी कटिंग वटिंग करने। लेकिन इतनी क्वेटा में आज ठंड है ना, फ्रीजिंग पॉइंट की गैस तो बिल्कुल थी नहीं थी। आज पूरा दिन हम लोग पूरा दिन बस ऐसे कम्बलों में बचे रहे हैं और सख्त बुरा हाल रहे। अभी देखें आगे का सफ़र कैसा गुजरता है, अल्लाह करे खैर खैरियत से हम पहुंच जाएं। आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताती रहूंगी वहां पे क्या क्या करना है। लगी
गजब सुबट कन दिल जमी तो लग पक कन उस तो लग जाने हम तू कन बेगमी तो लग पक्की आरावती दे रका कन कुल मौत बचाने दा सबस कन। जी मेरी YouTube फैमिली, अभी हम लोग खैर से अपने गांव पहुंच गए, तो पहुंचते साथ ही बच्चों ने अपने कज़नों को देखा तो उनके साथ खेलने कूदने में मसरूफ़ हो गए। सफ़र हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा, खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए। बस फिर जैसे पहुंचे हैं तो ठंड की वजह से पहले तो हम लोगों ने थोड़ा हाथ वाथ सेका, उसके बाद बच्चों ने अपना खेल कूद शुरू कर दिया। बहुत खुश हैं, अपने अपने मौजों में खेल रहे हैं। ये उनके कज़न्स हैं, तो पता नहीं बोतल फेंक रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। हमें ज़रूर बताना आज का व्लॉग कैसे लगा।